हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट कलाकंद की रेसिपी, जिसे हमने केवल 10 मिनट के अंदर ही बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमने 1 कप मिल्क ले लिया है। 1/2 कप हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम रखना है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो आप 2 कप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध को हमें अच्छी तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से उबाल आने देना है। तो दूध में ये जो मलाई आ रही है इसको हमें आने देना है और इसे हम अच्छी तरह से उबाल आने देते हैं। तो आप देख सकते हैं दूध हमारा बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, हल्का सा गाढ़ा हो गया क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला था। अब हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। 2 टीस्पून हमने नींबू का रस लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है क्योंकि हम इसे हल्का सा कर्डल करना है, क्रमली करना है। तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं फाड़ना है क्योंकि हम इसका पनीर नहीं बना रहे हैं। कलाकंद के लिए थोड़े थोड़े रेसे अच्छे लगते हैं। तो बिल्कुल एक एक बूंद करके डालिए और गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है। 1-1 टीस्पून में थोड़ा थोड़ा बूंद भर डालिए और इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो लगभग 1/2 लेमन इसमें इस्तेमाल होगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अभी ये फटा नहीं है हमारा दूध, बिल्कुल हल्का थोड़ा थोड़ा कर्डल करना है। दूध से पानी बिल्कुल भी ना निकले, इस बात का आप याद रखें। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप विनेगर ले सकते हैं। 1 टीस्पून विनेगर और 1 टीस्पून पानी डालकर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, आप थोड़ा थोड़ा कर्डल होना शुरू हो गया है। इसी तरह से हमको चाहिए थोड़ा सा, इसमें अभी हम और ऐड करेंगे। तो 2 टीस्पून ही हमने इसमें नींबू का रस डाला है और हमारा जो जितना हमें चाहिए था जिस कंसिस्टेंसी का, उस कंसिस्टेंसी का हमारा ये मिल्क हो गया है। तो अच्छी तरह से इसे हम कुक होने देते हैं। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये थिक भी है और हल्का सा इसमें रेसे भी हैं। और इसको अब बिल्कुल इंस्टेंट कलाकंद बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप पनीर ले लिया है, ग्रेटेड किया हुआ। तो हम इसमें डाल देते हैं। इस तरह से हमारा 10 मिनट के अंदर बिल्कुल हलवाई स्टाइल कलाकंद बनकर तैयार हो जाएगा। इसको मिल्क केक भी बोलते हैं। तो इस लॉकडाउन में आप घर पर ही बनाकर खा सकते हैं आप। तो अच्छी तरह से इसे कुक कर लेते हैं। जब तक मैं हमारा कलाकंद बन रहा है तब तक मैं हम ग्रीस कर लेते हैं हमारी थाली, प्लेट या ट्रे, जो भी आपके पास हो। तो अच्छी तरह से घी लगाकर ग्रीस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दूध में से जो भी दूध था, पानी था, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं जो भी दूध वगैरह था वो रिड्यूस हो चुका है, हल्का हल्का सा इसमें दूध रह गया है। तो अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल देंगे, जितनी भी आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पर 1/3 कप मतलब कि 2 टेबल स्पून के लगभग चीनी ले रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और जब तक कि इसका सारा जो दूध है वो रिड्यूस हो जाएगा और हमारा कलाकंद बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे और इसको हल्का सा हम सूख लेने देते हैं। जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो उसे अच्छी तरह से हमें ख़त्म कर देना है। और फ्लेवर के लिए अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। आप इसमें केसर के धागे भी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल ये येलो कलर का हमारा कलाकंद बनकर तैयार हो जाएगा। मैं बिल्कुल इसमें और कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ, आप अपनी मनचाही चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। आप यहीं पर ड्राई फ्रूट्स भी कट करके डाल सकते हैं। तो बस हमारा कलाकंद बनकर तैयार हो गया। अब इसको सेट करना है। सारा पानी इसका निकल चुका है, ये देखिए। आप यहाँ पर थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो चलिए इसे जमा लेते हैं। और ये मिठाई बिल्कुल 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है और रूम टेम्परेचर में ही ये सेट भी हो जाती है। आपको और ज़्यादा जल्दी तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसे हम जमा लेते हैं। 1 कप में ही ये बहुत अच्छी बहुत सारी मिठाई बन जाएगी खाने के लिए। आप अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आप इसमें अपने हिसाब से डबल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, ये देखिए। बिल्कुल इसी तरह से हमने इसे सेट कर लिया है। अब हम इसमें कटे हुए कुछ बादाम और पिस्ता लगा लेते हैं, काजू लगा लेते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप जो चाहें वो इसमें लगा सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो। तो लीजिए, बहुत ही इंस्टेंट हमारा कलाकंद बन गया है। तो अब इसको हम जमने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए, जब तक कि ये सेट ना हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हमारा कलाकंद सेट हो गया है।
तो इसे कट कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मॉइस्ट, एकदम मुलायम कलाकंद इंस्टेंट बनकर तैयार हो गया है। तो इस लॉकडाउन में अगर आपको कलाकंद खाना है और आपके पास सामान नहीं है, तो आप बिल्कुल कम सामान में भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, इसको बिल्कुल भी कोई नहीं कहेगा कि ये मार्केट से लाया हुआ नहीं है। तो आप इसको अच्छी तरह से कट कर लीजिए। अभी ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बना हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा मुलायम है। आप इसको और थोड़ा सेट करने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट स्लाइस की कट गई है। इस तरह से हम सारी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, बनकर तैयार है बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमारी कलाकंद मिल्क केक रेसिपी। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा लें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें।